इस समाचार को सुन यीशु नाव पर सवार होकर वहां से एकांत में चले गए। जब लोगों को ये मालूम हुआ, वे नगरों से निकलकर पैदल ही उनके पीछे चल दिए। तट पर पहुंचने पर यीशु ने इस बड़ी भीड़ को देखा और उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने उनमें जो रोगी थे उनको स्वस्थ किया। संध्या काल उनके शिष्य उनके पास आकर कहने लगे, ये निर्जन स्थान है और दिन ढल रहा है, इसलिए भीड़ को विदा कर दीजिए कि गांवों में जाकर लोग अपने लिए भोजन व्यवस्था कर सके। किंतु यीशु ने उनसे कहा, उन्हें विदा करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम करो उनके लिए भोजन की व्यवस्था। उन्होंने यीशु को बताया कि यहाँ उनके पास सिर्फ 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। यीशु ने उन्हें आज्ञा दी, उन्हें यहाँ मेरे पास ले आओ। लोगों को घास पर बैठने की आज्ञा देते हुए यीशु ने 5 रोटियां और 2 मछलियां अपने हाथों में लेकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर भोजन के लिए धन्यवाद देने के बाद रोटियां तोड़ तोड़ कर शिष्यों को देना प्रारंभ किया और शिष्यों ने भीड़ को सभी ने भर पेट खाया। शेष रह गए टुकड़े इकट्ठा करने पर 12 टोकरे भर गए। वहां जितनों ने भोजन किया था उनमें स्त्रियों और बालकों को छोड़कर पुरुषों की संख्या ही कोई 5,000 थी।